इन राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस संगठनात्मक स्तर पर बदलाव करने में जुट गई है। इस बदलाव में सबसे पहला नंबर यूथ कांग्रेस का आया है, जहां एक अध्यक्ष और दो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट के करीबी माने जा रहे हैं अभिमन्यु पुनिया को राजस्थान यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही सुधींद्र मुंड और यशवीर सूरा कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। इस संबंध में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने आदेश जारी किया है। राजस्थान यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद अभिमन्यु पुनिया ने सचिन पायलट से मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, युवा कांग्रेस राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष नवनिर्वाचित होने पर युवा हृदय सम्राट, युवाओं के मार्गदर्शक और लोकप्रिय जन नेता आदरणीय सचिन पायलट जी से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। राज्य में भाजपा के कुशासन के खिलाफ युवा कांग्रेस का हर एक साथी मजबूती से लड़ेगा। अभिमन्यु पुनिया ने अपने एक दूसरे ट्वीट में लिखा, मुझे राजस्थान युवा कांग्रेस का आधिकारिक रूप से प्रदेश अध्यक्ष घोषित करने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, श्री राहुल गांधी जी, श्री केसी वेणुगोपाल जी, श्री सचिन पायलट जी, श्री कृष्णा अल्लावारू जी, श्री निवास बीवी जी का हार्दिक आभार। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी के सहयोग और आशीर्वाद से हम राजस्थान युवा कांग्रेस को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। वहीं सचिन पायलट ने भी अभिमन्यु पुनिया को बधाई दी। सचिन पायलट ने अभिमन्यु पुनिया के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर करते हुए अपने पोस्ट में लिखा, संगरिया विधायक श्री अभिमन्यु पुनिया जी को राजस्थान युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनने पर मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथ ही श्री यशवीर सूरा जी और श्री सुधेंद्र मूर्त जी को कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर बधाई देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके नेतृत्व में राजस्थान युवा कांग्रेस को एक नई दिशा और मजबूती मिलेगी। वहीं राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट में लिखा, राजस्थान प्रदेश यूथ कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री अभिमन्यु पुनिया और कार्यकारी अध्यक्ष श्री सुधेंद्र मूड और श्री यशवीर सूरा को हार्दिक बधाई और कर्तव्य निर्वहन हेतु शुभकामनाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी प्रदेश की युवा ऊर्जा को सशक्त ध्वनि, तीव्र गति और रचनात्मक मति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए युवा राजस्थान, बुलंद राजस्थान निर्माण में अहम योगदान देंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।